अंजलि और आप देख रहे हैं दालाल टॉक। मैं यहाँ क्यों? क्योंकि आशीष आज नहीं आए हैं। वैसे बता दूँ, वो मेरे मैनेजर हैं, तो उनकी जगह मैं आज आई हूँ। और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट, जहाँ बात होती है सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बातों की। बताते हैं आज के शो में क्या है खास। पाकिस्तान की हार पर टीम के फैंस ने बनाए मीम्स, खूब उड़ाया मजाक। शपथ ग्रहण समारोह पर दिखा जानवर, लोगों ने क्या कयास लगाए। रेस में जानबूझकर हारने के लिए मांगा पैसा, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे ऐसा वीडियो जो सही और गलत एक साथ है। बुमराह ने मंडे बना दिया, क्योंकि कल रात हम सब लगभग मन बना चुके थे कि अब तो हार कर ही सोना पड़ेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बस बुमराह ही कर सकते हैं। क्या मैच था यार, मैंने सुबह सुबह ऑफिस जाना है फिर भी सोना भूल के लोग स्क्रीन से चिपके थे। कल के मैच में क्या हुआ था वो पाकिस्तान के फैन ने 5 साल पहले ही बताया था, और जिसका मीम भी बना था। पाकिस्तान के इन फैन ने कहा था, जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको छोटी छोटी खुशियों की जो चीज़ होती है ना, उसमें क्रिकेट एक है। और इन्होंने आज वो क्रिकेट की खुशी भी आगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बोले थे कि मारो मुझे मारो। कुछ यही हाल पाकिस्तान की टीम का फिर से हुआ। वर्ल्ड कप में आई इस हार के बाद आए पाकिस्तान के सोशल मीडिया से रिएक्शन, और भाई अपनी ही टीम का मजाक उड़ाते हुए क्या क्या नहीं बोल गए यूजर्स। देखिए कुछ झलकियां। एक यूजर ने लिखा, मेरा इस टीम से हो गया है, आप अमेरिका के खिलाफ 160 डिफेंड नहीं कर सकते, आप भारत के खिलाफ हर गेंद पर रन बनाने का खेल नहीं खेल सकते, यह शर्मनाक है। इस टीम के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक यूजर ने ट्वीट किया, मैं सोच रहा हूँ कि क्या अधिक बुरा होगा, बुरी तरह हारना या उस मैच को हारना जो एक आसानी से जीत हो सकती थी। सलमान खान की रोती हुई तस्वीर लगाकर लिखा कि इसे किसी भी कैप्शन की जरूरत नहीं है। दिल तोड़ना कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से सीखे, मेरे सारे दोस्तों का दिल तोड़ दिया भी लिखा गया। एक यूजर ने दिल की तकलीफ को कम करने का रास्ता निकाला, और उन्होंने लिखा, 1992 के वर्ल्ड कप की हाईलाइट देख लेती हूँ ताकि सुकून से सो सकूं। एक ट्वीट आया कि मैंने अपने 5 घंटे सिर्फ इसलिए बर्बाद किए ताकि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इधर उधर दौड़ता देख सकूं। हर आसान चीज को मुश्किल करना पाकिस्तान से सीखें, जैसे ट्वीट भी लिखे गए। कल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश से आए नेता, जानी मानी हस्तियां भी शामिल रही। पीएम मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, जीतन राम मांझी, अश्विनी वैष्णव, चिराग पासवान और अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ के बाद एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में एक और जहां मंत्री शपथ ले रहे थे, वहीं पीछे एक तेंदुआ जैसा एक जानवर टहलता हुआ दिख रहा है, और ये जानवर 2 बार दिखा। एक बार जब मध्य प्रदेश के सांसद दुर्गा दास उइके मंच पर थे, देखिए। वहीं दूसरी बार जब इसके अलावा सांसद अजय टमटा शपथ ले रहे थे, तब भी इसी जानवर की झलकी देखने को मिली। आप ये भी देखिए। इन वीडियोस के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जैसे वीडियो लगाकर लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में एक बिन बुलाए मेहमान कौन है? तेंदुआ, बिल्ली या डॉग जो इस मंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान घूम रहा है पीछे? सरसरी नजर से देखें। रियल और फेक जैसे सवाल भी पूछे गए। दिल्ली में शपथ ग्रहण के दौरान दिखा चीता जैसा दिखने वाला जानवर, कोई बता सकता है ये क्या है, जैसी बातें भी लिखी गई। मामला अधिक बढ़ने पर दिल्ली पुलिस की ओर से एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में लिखा गया कि जंगली जानवर होने के दावे भ्रामक हैं, ये बस एक घरेलू बिल्ली थी। हमने फिल्मों और टीवी शोज में कई बार ये कॉन्सेप्ट देखा है कि फिल्म का हीरो हीरोइन के सामने कूल बनने के लिए भाड़े के गुंडे लाता है, फिर हीरोइन के सामने लड़ाई करके हीरोइन का दिल जीतता है। फिल्मों में ये सब इतनी बार देख चुके हैं कि लगता है असल में शायद ही कोई ऐसा करे, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि एक पोस्ट दिखा रेडिट पर, रेडिट पर ये पोस्ट फेसबुक मार्केट प्लेस का एक स्क्रीनशॉट था जिसमें लिखा था कि मुझसे रेस हारने के लिए पैसे दीजिए। आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया कि आप एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच ये साबित करना चाहते हैं कि आपकी बाइक 400cc बाइक से तेज है और आपके पास स्किल्स भी हैं। मैं आपको KTM 390 एडवांस से रेस के लिए चैलेंज करूंगा और आपके सपने को पूरा करने के लिए जानबूझकर हार जाऊंगा, 1000 रुपए एक्स्ट्रा आप पर गुस्सा दिखाने के लिए।
वाह, दुनिया वाकई कहां से कहां पहुंच गई। लोग सच में ज्यादा ही दिमाग लगाने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये आइडिया काम करेगा? Who knows? जब भी आप साफ सफाई करने जाते हैं तो एक क्रम होता है। आप उस जगह का जायजा लेते हैं जैसे साफ करना है, फिर आप पूरे जोश के साथ लग जाते हैं साफ सफाई में। आपका ये मोटिवेशन अक्सर सफाई के आधे रास्ते में ही बोल जाता है। इस वक्त कमरे में आप बचते हैं और आधा साफ आधा फैला कमरा। आप किसी तरह हिम्मत जुटाते हैं, खुद को मजबूत बनाते हैं, सारी कायनात से ऊर्जा मांगते हैं और किसी तरह कमरा साफ करने का काम निपटाते हैं। फिर आप आराम से बेड पर लेट जाते हैं। एक मिनट, बेड पर लेट गए उसके बाद क्या? फिर क्या, आपकी नजर जाती है पंखे पर। धर तेरे की, हो गया सत्यानाश, पंखे को साफ करना ही भूल गए। पंखा तो साफ करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, उसे कितना भी साफ कर लो साफ होता ही नहीं। लेकिन रीलें हैं ना मदद करने के लिए। एक रील देखी जिसमें बताया गया कैसे आप आसानी से अपना पंखा साफ कर सकते हैं। आप भी रील देख लीजिए। वैसे पंखे की बात चली है तो गर्मी की बात भी कर ही लेते हैं। गर्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ भी करना हो तो दो चार बार सोचना पड़ता है कि किया जाए या नहीं। वैसे मैं तो ऑफिस आने में भी दो चार बार सोचती हूँ आया जाए कि नहीं। खैर, इस गर्मी से लड़ने के लिए लोग सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वो है जुगाड़। जुगाड़ से लोग एसी बना रहे हैं, कूलर बना रहे हैं। क्या करें, इतना टैलेंट है हमारे देश में, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब मार्केट में एक और नया जुगाड़ आया है जिसकी मदद से आप बाइक में मस्त पंखे की हवा खा सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक बाइक के ऊपर रॉड लगा दिया और उस पर लटका दिया पंखा। अब ये कितना अच्छा आविष्कार है कितना खराब, ये तो आप ही बता सकते हैं, पर मेहनत तो इन्होंने काफी की है। देखिए वीडियो। अब क्योंकि इसकी जरूरत थी नहीं, इन्होंने जो किया वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में कमेंट भी अलग से आए। एक यूजर बोले कि भाई साइड में बेड भी लगवा दे। एक और कमेंट आया कि ये आविष्कार भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा गया कि भाई उसने हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की थी। वैसे कोशिश क्या थी मालूम नहीं, मगर परिणाम सामने है। आप इस कलाकारी के बारे में क्या सोचते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। सोशल लिस्ट में अब आ रही है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक वीडियो। ऐसा वीडियो जिसमें लॉजिक है, तर्क है, सब कुछ सही है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है, मगर फिर भी ऐसा कुछ है जो गलत और सही एक साथ है। ऐसा कुछ जो समझ से परे तो नहीं है मगर समझ भी नहीं आता। आप भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं ना मेरी तरह। चलिए आपको दिखाते हैं हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके शनाया, हमने होमवर्क करना है। शनाया, शनाया, आपने इस डॉट से इस डॉट तक करना है, ठीक है? यहाँ पे पेंसिल रखो, यहाँ पेंसिल रखो। है ना सही और गलत एक साथ ये वीडियो। आज के शो में इतना ही। आशीष कल आ जाएंगे और मिलते हैं कल। तब तक के लिए